नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश दुनिया तथा सामाजिक जगत, राजनीति तथा अपराध जगत की खास खबर। गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से हो। उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार मनोज कोटा का चुनाव का जनसंपर्क अभियान सुबह मॉर्निंग वॉक से ही शुरू हो जाता है। सुबह उठकर वह लोगों से पार्कों में मिलते हैं, जहां पर लोगों से अपनी बात कहते हैं, समझाते हैं और लोगों की बात सुनते हैं। मनोज कोटक की सुबह की दिनचर्या पार्कों से शुरू होती है, जिसके तहत वह आज सुबह शहीद जयवंत पाटिल गार्डन पहुंचे, जो LBS रोड भांडू बेस्ट में है। वहां पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। लोग भी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को अपने बीच काफी खुश नजर आ रहे थे। कुछ लोग फोटो खिंचवा रहे थे, कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे। इस दौरान लाफ्टर क्लब के सदस्यों द्वारा अपनी समस्या बताई गई। शिवसेना युति के उम्मीदवार मनोज कोटे साहब आले सगळ्यांना भेटायला, सगळ्यांनी 29 तारखेला कमळावर शिक्कामोर्तीवरून त्यांना आपल्याला बहुमत निवडून द्यायचं आहे। ओके यही नहीं, मनोज कोटक ने वहां पर खेले जा रहे बैडमिंटन का भी काफी देर तक मजा लिया। खिलाड़ी उनको अपने बीच पाकर गदगद हो गए। मनोज कोटक ने लोगों की पार्क की समस्याओं को ध्यान से सुना। मनोज कोटक का चुनाव प्रचार की रफ्तार जिस ढंग से बढ़ रही है, वह विरोधियों के लिए चुनौती बनती जा रही है कि मनोज कोटक का कैसे मुकाबला किया जाए। एबी न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबरों नए सफर के साथ, लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आपके आस पास कोई घटना घटित हुई या कोई समस्या है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।